हेलो माय लवली पीपल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक हेयर मास्क जो आपके बालों को बहुत स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनाएगा, और ये हेयर मास्क बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बन जाएगा। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं कि इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है। हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है करी लीव्स। यहाँ पर मैंने फ्रेश करी लीव्स ले रखा है। हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। यहाँ पे मैंने पैरासूट कोकोनट ऑयल लिया है, आप चाहे तो वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो थर्ड एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है फेनिग्रिक सीड्स, जिसको हम मेथी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मैंने फेनिग्रिक सीड्स लिए हैं, अगर आपके पास फेनिग्रिक या मेथी के पत्ते अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं आपको वन बाई वन करके उसकी बेनिफिट्स बताती हूँ। फेनिग्रिक हमारे हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारे स्कैल्प के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है, साथ साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बना के हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। कोकोनट ऑयल हमारे हेयर्स के ड्राइनेस और फ्रिजनेस को प्रिवेंट करके इसको डीपली नरिश करता है। अब बात करते हैं करी लीव्स की। ये हमारे हेयर के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। हम हेयर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करी लीव्स से मिल जाता है। ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकता है, साथ साथ ये हमारे हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करके हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोल में पानी ले लिया है। अब हम करी लीव्स को उसके डंडल से अलग करके पानी में भिगोएंगे ताकि इसके ऊपर की सारी डर्ट्स निकल जाए। इनको इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। आप चाहे तो 5 या 10 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं ताकि ये प्रॉपर वे में क्लीन हो जाए। मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए पानी में छोड़ दिया था, फिर मैंने उसके पानी को चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। यहाँ पे मैंने जो फेनिग्रिक सीड्स लिए थे उसको हमें अच्छे से क्रश करना है। यहाँ पे मैंने पैन में 1 से 2 कप पानी बॉयल होने के लिए रखा है। 1 बॉयल आने पे मैंने जो फेनिग्रिक सीड्स क्रश करके रखा था वो ऐड कर लूँगी। फिर मैं इसमें करी लीव्स ऐड कर लूँगी। 1 बॉयल आ जाने के बाद फ्लेम को आप मीडियम कर लें, फिर आप 1 स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिला लें। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है तो आप इसको बॉयल कर करके 1 कप कर दें, मतलब आप इसको हाफ रिड्यूस कर लें। थोड़े थोड़े टाइम पे स्पून की हेल्प से आप इसे चलाते रहे ताकि लीव्स और फेनिग्रिक सीड्स के जो भी एक्सट्रैक्ट है वो पानी में आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 कप के अराउंड पानी लिया था, वो रिड्यूस होकर के 1 कप के अराउंड हो गया है। अब हमको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और साइड रख लूँगी। इसको हाफ आवर्स के लिए साइड करके ठंडा कर लिया है। आप चाहे तो इसको आप ऐसे भी स्ट्रेन करके अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मिक्सर जार में ग्राइंड करूँगी और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप इसमें जितना वाटर ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी उसके अकॉर्डिंग थिक और रनी हो सकती है। अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैं यहाँ पे स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन करूँगी। आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा मेसी हो जाएगा, तो मैं इसे स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करूँगी। अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद हमारा हेयर मास्क कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट जो है कोकोनट ऑयल वो ऐड करेंगे। आप इसमें 1 to 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ऐड कर लें। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा हेयर मास्क अप्लाई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे हफ्ते में 2 बार या महीने में 1 बार ज़रूर यूज़ करें, फिर आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर लें। इस हेयर मास्क को 1 बार यूज़ करने के बाद से ही आप अपने बालों में डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने जस्ट हेयर वॉश के बाद की क्लिप यहाँ पर ऐड कर दी है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपके बालों को कितना सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।